यूपी के जिला बिजनौर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सरवनपुर नहर में गिर गई। कार में सवार रुड़की के तहसीलदार समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रेस्क्यू कर 3 के शवों को बाहर निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल तहसीलदार सुनैना राणा अपने ड्राइवर और अर्दली के साथ नैनीताल में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में गए हुए थे। देर रात जब वे जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के सरवनपुर नहर के पास पहुंचे तो उनकी कार अनियंत्रित हो गई और फिर नहर में जा गिरी, जिसमें डूबने से तहसीलदार, अर्दली और ड्राइवर की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू करके 3 के शवों को निकाल लिया है। गांव के पास में पूर्वी गंगा नहर एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के अधिकारी तहसीलदार रुड़की राणा और उनका अर्डरली और ड्राइवर जो इस नदी के जो नहर थी रेलिंग तोड़ करके रात में गिर गई। ट्रेस किया गया, बाद में पता चला कि इसी जगह पर रेलिंग तोड़ करके गाड़ी गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। दुखद रूप से 3 की मृत्यु हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है और गाड़ी भी निकाल ली गई है। जिलाधिकारी लोग मेरे द्वारा यहाँ पर अब एक कार्रवाई पूरी हो चुकी है स्थानीय पुलिस पर और लोगों के सहयोग से गोताखोरों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हुआ। वहाँ के अधिकारियों से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो चुकी है और आवश्यक पूरी कार्रवाई कर रही है।